गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आज हम जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके एडवांटेजेज है, इसके मेरिट्स है, इसके लाभ जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, कह रहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, डिफरेंट जो है एडवांटेजेज जो है अपने मेंबर्स के लिए प्रोवाइड करवाती है, परंतु कुछ इस प्रकार के जो सभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके जो मेंबर्स के लिए कॉमन जो एडवांटेजेस होते हैं, कॉमन जो मेरिट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया कि बेटा जो सहकारी जो समिति होती है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी जो होती है, हर कोऑपरेटिव, क्योंकि हमने इसको सिक्स टाइप में डिवाइड किया गया है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने अपने मेरिट्स होते हैं अपने मेंबर्स के लिए, परंतु करा कि ये सभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनके कुछ सामूहिक यानी कि जो कॉमन जो है मेरिट्स जो होती है हर मेंबर के लिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें पहला जो पॉइंट है हमारा इजी फॉर्मेशन, इसको करा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, इसको फॉर्मेशन करने के लिए करा कि किसी प्रकार की करा कि ये इजी होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डेंस इसको रजिस्टर्ड करके और इसको हम एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एनी 10 एडल्ट मेंबर्स यानी कि कोई 10 वयस्क जो व्यक्ति जो है एकत्रित होकर के करा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड जो एक्ट रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर्ड करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। करा कि इसकी यानी कि इसको स्टार्ट करने में कोई लिमिट ज्यादा लिमिट करके नहीं आती और न ही इस पर एक्सेसिव जो है कोई एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये पहला जो पॉइंट है इसको हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि इसको दूसरा जो है लिमिटेड लाइबिलिटीज, कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है, जो इसके शेयर्स जो एक्सटेंड शेयर्स होते हैं वहां तक या जितनी गारंटी दी वहां तक ये लाइबल होते हैं। क्या कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं इनकी जो लाइबिलिटी जो है वो सीमित होती है, जितने शेयर जहां तक जितने शेयर लिए हैं या जितनी गारंटी दी है वहां तक ये लाइबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कह रहा है कि इसका सेपरेट एंटिटी होने के कारण, अलग से अस्तित्व होने के कारण, जो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इसको रजिस्टर्ड करवा देते हैं 1912 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अलग हो जाती है, इसके मेंबर अलग हो जाते हैं। तो कह रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है इसका एडवांटेज लेते हैं, यानी कि स्थायी तौर का जो लाभ मिलता है इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि इट मींस यानी कि किसी भी मेंबर्स की डेथ बैंकरप्सी होने पर कंपनी की इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये भी इसमें है। नेक्स्ट जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करने वाले जो मेंबर्स हैं, जो इसको मैनेजिंग करने वाली जो कमेटी होती है वो क्या करते हैं, करा कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा इनको चुना जाता है, और ये करा कि ये मेंबर जो है इसमें सिलेक्शन जो है इलेक्टेड का जो प्रोसेस है वो करा कि वन मेंबर वन वोट जो है होता है, इसका एरिया जो है वो लिमिटेड होता है, प्रत्येक मेंबर जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है और प्रोक्सी जो है वो अलाउ नहीं होता। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, करा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको ऑपरेट करने में, इसको चलाने में करा कि कम खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रशासनिक जो पदाधिकारी जो है वो करा कि सोशलिस्ट होते हैं, ये विदाउट रेमुनरेशन जो है वर्क करते हैं, बिना पारिश्रमिक के जो है काम करते हैं। दूसरा क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसकी जो सेल है इसको बूस्ट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोशन करने के लिए करा कि किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जो है उसकी नीड या रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए करा कि इसमें कम खर्चे जो होते हैं। और एक और क्या है, इसमें मेनली जो ट्रांजेक्शन है वो कैश ट्रांजेक्शन होती है, नगद होती है, इसलिए बैड डेट्स के चांसेस भी जीरो के समान होते हैं, इसलिए करा कि इसके ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसिज है वो कम होते हैं। करा कि टैक्स एडवांटेजेस, टैक्स एडवांटेजेस का मतलब क्या है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके ऊपर जितनी भी अर्निंग होती है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है, इस पर टैक्स जो है नहीं लगता, टैक्स रहित होती है। इवन यही नहीं, करा के इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए स्टैंप ड्यूटी वगैरह जो है उन पे भी इसको रिबेट मिलती है। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब क्या है, करा के सरकारी संरक्षण, करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की फैसिलिटी देती है, कुछ इस प्रकार की हेल्प करती है, और वो क्या कह रहा है कि इसको लोन जो फैसिलिटी देती है, इजी टर्म पर लोन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाता है, कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है, जो इसका मेन पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है कि जो सोसाइटी में जो पुअर पीपल है उनको अपलिफ्ट करना होता है, उनको डेवलप करना होता है, करा कि इस टेंडेंसी जो है वो माइंड में रख करके ये किया जाता है। तो करा कि इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट जो है इसकी हेल्प करती है। करा कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड चीपर रेट, करा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें जो गुड्स है वो क्या होता है कि लार्ज स्केल पर प्रोड्यूसर या कंज्यूमर से, इसे प्रोड्यूसर या होलसेलर से परचेज करके और करा कि अपने मेंबर्स को सेल किया जाता है। तो करा कि लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्ट जो है परचेज किया जाता है प्रोड्यूसर से होलसेलर से, तो कह रहा है कि उसको लार्ज स्केल की जो इकोनॉमिक जो है जो कह रहा है कि वो बेनिफिट मिलता है और अपने जो मेंबर्स है उनको इस प्रकार के बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। चेक ऑन अदर बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कह रहा है कि दूसरे जो व्यवसाय है उनको भी नियंत्रित करता है, कैसे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसके सिमिलर जो बिजनेसमैन जो है जो इस प्रकार का बिजनेस चल रहा है जो प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी डिसाइड करते समय कोऑपरेटिव सोसाइटी को के प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस को माइंड में रखते हैं। कराएंगे निश्चित रूप से कराएंगे, इस प्रकार से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है दूसरे जो बिजनेस है उनको कंट्रोल करने का भी काम करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन एक होता है इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है जो पैसे जो एक जगह होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग अलग लोगों के पास होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि पहले जो है खराज एक व्यक्ति के पास सारे पैसे एक व्यक्ति के पास न इकट्ठे होकर के कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो है इस प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से करा कि एक व्यक्ति जो है एक बिजनेसमैन जो है उसके पास पैसे इकट्ठे न होकर के डिफरेंट डिफरेंट जो है पर्सन के पास इस प्रकार से जाते हैं। पहले जो है एक बिजनेसमैन होता था वो लार्ज स्केल का बिजनेस करता था, उसकी प्राइस जो ज्यादा रखता था, कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पर जो है गुड्स प्रोवाइड करवाता था और जो प्रॉफिट अर्न करता था वो अपने पास जो है डिपॉजिट करता था। करा कि आज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस प्रकार की जो टेंडेंसी जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है उसको अवॉइड करने का काम करवाया है। क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग जो मिल करके इस प्रकार के अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से करा कि इसमें इकोनॉमिक जो है उनका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये हमारे जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेरिट्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए।